अंधविश्वास से पैसा कमाने के लिए सिर्फ 10 दिन के बाद के बछड़े का शिकार की घटना सामने आई है। नागपुर जिले के बुट्टीबोरी वन परिक्षेत्र की सीमा में बछड़े के मृत अंगों को बेचते समय दोनों आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी उस गांव का सरपंच है जहां शिकार की गई थी। आरोपी का नाम लोमेश दाबेल है, उसका साथी कालिदास रायपुरे हैं और दोनों चंद्रपुर जिले के चिंजबोड़ी गांव के रहने वाले हैं। मई 2021 में उन्होंने इस पूजा के लिए 10 दिन के बाद के बछड़े की बलि दी थी, लेकिन खेत में पैसों की बारिश नहीं हुई और आखिर में मृत बछड़े का जतन किया गया। मामला शांत होने पर उसने बाघ के बछड़े के शव को बिक्री के लिए निकाला, वह इसे 20 लाख रुपए में बेचने वाला था। इसकी जानकारी नागपुर वन विभाग को हो गई, इसलिए वन विभाग सक्रिय हुआ और जाल बिछाया। बाघ के बछड़े के शव को बेचने के लिए लोमेश ने अपने सहयोगी कालिदास रायपुर को मामले पर बातचीत करने के लिए पडोली में खरीदार से मिलने के लिए भेजा था। यह जानकारी नागपुर के उप वन संरक्षक डॉ भरत सिंह हाडा को मिली। उन्होंने कार्रवाई की जिम्मेदारी सहायक वन रेंजर नरेंद्र चंदेवार को सौंप दी। उन्होंने चंद्रपुर वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी गादीवर से समन्वय स्थापित कर लोमेश दाबल और कालिदास रायपुरे को बाघ के बछड़े के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया।